हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोर एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वीडियो लेकर आए हैं भाई, लैंड फोर्स का सुपर सीडर है, बिल्कुल न्यू 2022 मॉडल। तो भाई इसके बारे में तो हमने पूरी इन्फॉर्मेशन देवांगे। यदि आप लेना चाहो नहीं तो आप यहाँ जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं इन पर संपर्क कर लियो और अपना अच्छे प्राइस पर अपना सुपर सीडर मिल जाएगा लैंड फोर्स का। और बहुत बढ़िया क्वालिटी से तैयार किया गया सुपर सीडर है। हमारे साथ पवन भाई साहब हैं जो पूरी जानकारी देंगे तो हमने लैंड फोर्स सुपर सीडर की। तो भाई ये नरवाना के डीलरशिप हैं पवन कैबर था, तो भाई ये अपना पूरी इन्फॉर्मेशन देवेंगे। है जो जी राम राम भाई साहब। नमस्कार जी, आप सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार, और आपके चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों को वर्ष 2022-23 के सीजन की शुभकामनाएं, ताकि आप अच्छी मशीन खरीदने का डिसीजन ले पाएँ और वो आपको अच्छा रिजल्ट और अच्छी रीसेल वैल्यू दे पाए। तो इसके लिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं लैंड फोर्स का सुपर सीडर। इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो सबसे पहले इसकी विशेषता ये है कि ये ओवर साइज में आता है, जैसे 7 फीट वाला अंदर से 7.5 फीट होता है। और बाकी इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें मुख्य विशेषताएँ ये रहती हैं, ये पीछे जो रोलर लगा है इसके ऊपर ये सोकर लगा हुआ होता है, ये सोकर लगा होता है। तो भाई ये आपको किसी भी कंपनी के सुपर सीडर में देखने मिलेगा। तो और कारण अगर हम इसको बैक लेके कोना में रखते हैं और ये अगर मेड के ऊपर यानी कि डोल को रखा जाता है तब भी ये ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा और आगे चलते ही ऑटोमेटिक नीचे चले जाएगा। ठीक है जी। दूसरी इसकी विशेषता की अगर बात करें, इसमें ये यहाँ मिट्टी फंसने की कोई दिक्कत नहीं रखती, यहाँ अच्छे से सपोर्ट लगा के पत्तियाँ लगाई हुई हैं। हाँ जी। और तीसरी विशेषता की अगर बात करें, इसके तवे होते हैं कट वाले। हाँ जी। कट वाले तवे कभी भी जाम नहीं होते और अलग अलग चलाएंगे जी। और बाकी कुछ सुपर सीडरों में ऐसे होता है कि सभी तवों को एक साथ ही रोटेशन हाँ के लिए बीच में रोड़ दी जाती है। हाँ हाँ। जिस कारण एक तवा अगर खराब होता है तो सभी खराब हो जाती है। और ये जो दे रखे ये पत्ती किस लिए है? ये मिट्टी के उतारने के लिए, उतारने के लिए काफी हैवी है, दिखने में कुछ है और हाथ लगाने के बाद कुछ लगते हैं भाई। हाँ। काफी हैवी सिस्टम दे रखा है। ये देखो नीचे आप तवा देख सको, कट वाले तवे हैं भाई, किसी भी कंपनी के सुपर सीडर में ये सिस्टम नहीं है। तो और बताओ जी, और इसमें अगर आप रोटावेटर भी बनाना चाहते हैं तब भी यहाँ से ये नट खोल के और ये बीच वाले रोलर के साथ बिना फट्टे के भी रोटावेटर बन जाता है। और अगर आप फट्टा लगाना चाहते हैं हाँ जी, तब ये रोलर उतार के आराम से ये रोटावेटर भी बन जाता है। कितने नट उतारने पड़ा है इसमें? 10-12 नट उतारने पड़ते हैं, जिसके कारण ये पीछे वाला भाग अलग और ऊपर वाली टंकी अलग और रोटावेटर बन जाता है। हाँ जी। और पीछे खड़े होने के लिए भाई आपको दिया स्टैंड दिया गया है, आप आसानी से गेहूँ बीज डाल सकते हैं। यहाँ से आप नंबर सेट कर सकते हैं इनका, जितना भी लगाना चाहें, जितना आप लगाओगे पूरा बीज डालेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक फोर इन्होंने साइड में दिया है 7 फीट में, यानी कि 7.5 फीट में। चलो आपको दिखाते हैं बीच में कितने, ये 7 फीट का है, ये 7 फीट का है, वैसे अंदर से 7.5 फीट है। हाँ जी। और इन्होंने बीच में 11 फोर दिए हैं। हाँ जी। और एक फोर इन्होंने साइड में दिया है, जो कि ड्योल के पास अगर हम लगाते हैं तो वहाँ ही यूज होता है, ड्योल के नज़दीक भी अच्छे सफाई आओगी। कई सुपर सीटर हम आपने देखा कि भाई गेयर बॉक्स दे देते हैं, वो ड्योल का लग है, इसमें इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आओगी। पीछे काफ़ी हैवी सिस्टम दिया है सोकर लगा करना, ये सोकर किसी भी सुपर सीटर में नहीं आते हैं जो इस कंपनी ने दिए हैं। पिछले साल का कुछ डिटेल रिव्यू बताओ जी, जो किसान भाइयों का कोई आया हो मैसेज। डिटेल रिव्यू बहुत अच्छा है और आप रीसेल वैल्यू भी देख रहे हैं, हमें सभी को पता है कि रीसेल वैल्यू में अगर सुपर सीडर आधी कीमत तोड़ता है तो किसान को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। हाँ जी। और दूसरी बात, अगर हम किसी दूसरी कंपनी का 8 फीट लेना चाहते हैं हाँ जी, तो 7 फीट उसके बराबर ही है लगभग। ठीक है जी। और 8 फीट है जो वो इनका 9 फीट है। हाँ जी। अंदर से यानी कि 8.5 फीट। ये कितने फीट है? ये 7 फीट है और अंदर से 7.5 फीट, पीछे वाला भी 7 फुट है, पीछे वाला 8.5 फीट है अंदर से। अच्छा। वैसे 8 फीट में ही बिकता है। हाँ जी। और वैसे है ये 9 के बराबर अगर बाहर से देखे तो, अंदर से 8.5 फीट। अपना कॉन्टैक्ट नंबर और बताया जो जी एक बार। अपना कॉन्टैक्ट नंबर है 94163। ठीक है। 84784। ठीक।
तो भाई कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर भी चल रहे हैं और बताया भी दिया भाई साहब ने, आप संपर्क कर लियो भाई जरूर। सुपर सीडर कौन सी कंपनी का ले लें, लेकिन एक बार जानकारी जरूर ले लियो, घर बैठे जानकारी मिलेगी आपने, ये नहीं कि कहीं घूमना फिरना पड़ेगा। तो दोस्तों कमेंट करिएगा भाई आपने वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों और कुछ कहना चाहोगे जी सुपर सीडर का? और अगर आप इसका रोटावेटर में कन्वर्ट करते हैं तब इनके ब्लेड ब्लेड बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सेम एज इट इज यही ब्लेड चल जाते हैं। और एक बार ब्लेड गई और बात रह गई जी, जो और कंपनी ब्लेड दे वो बड़े दे हुए हैं, इसमें कुछ अलग टाइप के ब्लेड दे रखे हैं, इसका क्या कारण है? इसमें लोड कम पड़ता है, वो सीधा ज्यादा गहरा जाता है, ये ना तो ज्यादा गहरा जाता है और ना ही ऊपर रहता है। कुछ इस तरह का ब्लेड है कि मीडियम टाइप जिसमें आपका काफी बचता है, बीच तो बहुत ज्यादा है रोलर का और ब्लेडा का काफी अच्छा तैयार करा है। चौड़ाई ज्यादा होने के कारण ये चलते भी ज्यादा है, ज्यादा टाइम ज्यादा किले निकलते हैं और इसी कारण से लोड भी कम पड़ता है, इसकी इसमें बैंड कम दिया हुआ है और तेल भी खपत कम लेता है। धन्यवाद जी। तो दोस्तों आपने वीडियो देख लिया, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।